सो गाइस प्लीज रुक जाओ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में तुम लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एंड अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दी तो आई स्वेयर गाइस तुम लोग लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिस कर दोगे। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। हम देखते हैं कि कामुरी को अपने पेट में एक बहुत ही जोरदार किक महसूस होता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सैयन आ जाता है जिसका नाम ब्रोली होता है और कामुरी उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम कौन हो जिसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर ब्रोली कहता है, तुमने पा को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कैसे की, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर कामुरी उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें नहीं पता मॉर्टल आखिर तुम किससे उलझ रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ये बात कह के कामुरी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और उधर ब्रोली एकदम शांत खड़ा होता है और वो वाह के पास जाकर कहता है, वाह क्या तुम ठीक हो, और कामुरी इसे देख कर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि कामुरी ये बात कह के ब्रोली पर अपना हमला कर देता है लेकिन ब्रोली उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ से शांति से चले जाओ लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे और वाह को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के ब्रोली कामुरी पे एक जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि कामुरी को इस बार ब्रोली का हमला बहुत ही जोरदार लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर कामुरी कहता है, आखिर तुम हो क्या, एक मॉर्टल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जवाब में ब्रोली कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद कामुरी कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या तुम बच जाओगे, यहाँ पर दो लोग मेरे जैसे और हैं जो कि तुमसे कई गुना ताकतवर हैं और वो तुम्हें और तुम्हारे इस बेवकूफ जानवर को खत्म कर देंगे। हम यहाँ पर ड्रैगन बॉल ढूंढने आए हैं और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा उसके बाद फिर मैं अपने हाथों से ही तुम्हारे इस प्लेनेट को खत्म कर दूंगा, समझे बेवकूफ कहीं के। और हम देखते हैं कि ब्रोली को उसकी बात सुन के उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसके बाद ब्रोली उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है लेकिन ब्रोली उसे जान से नहीं मारता। उधर कामुरी ब्रोली के हमले से सिर्फ बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद ब्रोली कहता है, वो दो लोग कौन हैं, मुझे उन्हें जल्द ही ढूंढ कर यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसके बाद फिर ब्रोली वहाँ से स्माइल करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो न वाह, और हम देखते हैं कि वाह एक स्माइल करके अपने तालाब के अंदर चला जाता है। इसके बाद फिर ब्रोली उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर हम देखते हैं ट्रंक्स को जो कि उस प्लेनेट में अभी अभी पहुंचा था और उसे वहां पहुंचते ही तीन शक्तियों का आभास होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी लेकिन उसमें से दो शक्तियां जिसे ट्रंक्स महसूस कर पा रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ट्रंक्स इसके बाद कहता है, आखिर ये दोनों भयानक शक्ति किसकी है, मुझे जल्द ही उस सयन को ढूंढना होगा, कहीं मुझसे पहले ही वो लोग उस सयन तक ना पहुंच जाए नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उधर जिन और आइजन को कामुरी की पावर बहुत ही कम फील होने लगती है। इस पर जिन कहता है, आखिर बात क्या है, कामुरी की ताकत इतनी कम कैसे हो गई। और तभी हम देखते हैं कि आइजन जिन के पास जाता है और कहता है, जिन क्या तुमने वो महसूस किया जो मैं कर पा रहा हूँ, आखिर बात क्या है, कामुरी की ताकत इतनी कम कैसे हो गई, हमें उसके पास जाना चाहिए। इसके बाद जिन कहता है, ठीक है आइजन चलो। और फिर हम देखते हैं कि जिन और आइजन दोनों कामुरी के पास जाते हैं और आइजन कामुरी को देखकर कहता है, आखिर इसकी ये हालत किसने की। इसके बाद जिन कहता है, मैंने कहा था थोड़ा सावधान रहना लेकिन ये बेवकूफ, ये जरूर उसी ने किया होगा जिसकी शक्ति मुझे यहाँ आने से पहले महसूस हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन जिन से कहता है, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो जल्द से जल्द ठीक करो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन कामुरी को अपनी थोड़ी सी ताकत देकर उसे ठीक कर देता है और फिर कामुरी उठकर
होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर जिन कामोरी से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि इस जगह पर थोड़ा सावधान रहना, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो डीमन। इसके बाद कामोरी कहता है, जिन अपना मुंह बंद रखो वरना। इसके बाद फिर जिन कहता है, आखिर तुम क्या करोगे? अगर मैं चाहूँ तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना मकसद पूरा करना है, इसीलिए मैं अभी चाह कर भी तुम्हें नहीं मार सकता, समझे बेवकूफ। इस पर कामोरी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, जिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फिर आइजन कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन बॉल को ढूंढना है और उसके बाद फिर हम अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद जिन कहता है, मुझे पता है कि वो अभी भी हमारे रास्ते में जरूर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे भी मसल कर रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लैनेट नेमेक का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम देखते हैं पिकोलो को, जो कि नेमेक में गया था। पिकोलो भी उस आखिरी धमाके से बच गया था जब अर्थ खत्म हुआ था। इसके बाद फिर पिकोलो वहाँ पर जाता है और गुरु से पूछता है, मुझे पता है कि हम सभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे बिना वक्त बर्बाद किए जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं, तुम उन डीमंस के बारे में पूछ रहे हो? वो उस अनजान प्लैनेट में गए हैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। पिकोलो फिर उनसे कहता है, ठीक है, मैं सारी बात समझ गया, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सिर्फ एक नेमेकिन को जाने दें, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गुरु कहते हैं, तुम करना क्या चाहते हो पिकोलो? जवाब में पिकोलो कहता है, आप मुझ पर बस भरोसा रखिए। और हम देखते हैं कि पिकोलो सारी बातें जानता था कि अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि किंग काई ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे डार्क जिन ने गोकू के बॉडी पे कब्जा किया और फिर उसने वेजिटा को खत्म कर दिया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो अपने साथ एक नेमेकोन को लेके उस अनजान प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं कि पिकोलो उस नेमेकिन बच्चे से कहता है, हे इसनो बच्चे, हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं आखिर उनका सामना करने लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा है तुम उसे याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैंने तुम्हें बताया है, समझ गए? हम इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन हमें सबको बचाने के लिए ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तुम मेरी बात समझ गए? इसके बाद फिर वो नमकीन बच्चा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर पिकोलो, आप चिंता न करें, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं मर गया तो? वैसे आप मेरी बहादुरी के बारे में गुरु को जरूर बताना। इसके बाद फिर पिकोलो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस प्लेनेट में उस सयन को ढूंढते ढूंढते आखिर थक जाता है। और फिर ट्रंक्स कहता है, आखिर वो सयन कहाँ पर है? मैं उसकी शक्ति तो महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा? आखिर तुम कहाँ हो? और फिर उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली जिन और आइजन को ढूंढने में लगा हुआ था। और फिर इसके बाद ब्रोली कहता है, मुझे उसकी शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन कोई और भी है जो कि इस प्लेनेट पे है, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम क्यों है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सबसे पहले उन दोनों को हर हाल में ढूंढना होगा, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, वो लोग पास ही हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिन आइजन और कामोरी को। तभी कामोरी उनसे कहता है, मुझे सामने गुफा दिख रही है और मुझे लगता है कि शायद उस गुफा के अंदर ड्रैगन वॉल्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। इस पर जिन कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ, हमें ड्रैगन बॉल चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि जिन को उस गुफा के आसपास बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस होती है। और फिर जिन कहता है, मुझे उसकी शक्ति महसूस हो रही है, लगता है वो यहीं पे है, बाहर आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
और फिर हम देखते हैं कि जिन एक की ब्लास्ट से उस गुफा पे हमला करता है और वो गुफा बुरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के सामने एक सैयन आता है और जिन उसे देखकर कहता है, ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर जिन उस सैयन से कहता है, तुम जो भी हो हमें ड्रैगन बॉल्स चाहिए, अगर तुम हमें वो शांति से दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो सैयन पैरागस होता है, ब्रोली के पिता। और फिर पैरागस उनसे कहता है, तुम लोग जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। इसके बाद कामोरी कहता है, सुनो मॉर्टल, हमें सिर्फ ड्रैगन बॉल चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। इसके बाद पैरागस कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। और ये कह के पैरागस उन पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। और फिर इसके बाद पैरागस को लगता है कि उसने उन सबको खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही पैरागस थोड़ा सा रिलैक्स होता है, अचानक कामोरी उस पे बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है, जिसकी वजह से पैरागस को बहुत चोट आती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर पैरागस कहता है, आखिर कैसे तुम इतने ताकतवर हो। इसके बाद कामोरी कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, शायद तुम्हें भी नहीं पता कि हम डीमंस हैं, समझे, और अब तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें मरना होगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कह के जैसे ही कामोरी उस पे अपना हमला करने ही वाला होता है, तभी पैरागस चिल्लाने लगता है और वो कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। उधर कामोरी हंसता रहता है और कहता है, अब मरो मॉर्टल। और तभी हम देखते हैं कि कामोरी को कोई अचानक से बहुत ही जोर से पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। और उसे देखकर आइजन कहता है, जिन, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिन इसके बाद कहता है, मैं जानता था कि ये मेरे आसपास ही है। इसके बाद फिर जिन ब्रोली से कहता है, तुम आखिर हो कौन? एक सैयन, लेकिन एक सैयन इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन सैयन जिंदा कैसे हो सकते हैं? तुम सब तो मारे गए थे और वो भी सब के सब एक साथ, तो तुम बच कैसे गए? इसके बाद ब्रोली जिन से कहता है, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। इस पर जिन कहता है कि हम यहाँ पर ड्रैगन बॉल की तलाश में आए हैं और बिना हम उसे लिए कहीं भी नहीं जाने वाले, और अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस पर ब्रोली कहता है, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों से आखिरी बार कहता हूँ, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद फिर जिन कहता है, हम यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन तुम सबको खत्म करने के बाद। और हम देखते हैं कि ये कह के जिन अचानक से ब्रोली पर हमला कर देता है और ब्रोली बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फिर ब्रोली बहुत ही गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और ये बात कह के ब्रोली अपना पावर अप करने लगता है और ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और फिर वो जिन पे एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। उधर जिन उसके हमले को नहीं झेल पाता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी भी ब्रोली पर हमला करता है, लेकिन ब्रोली पे कामोरी के हमले का कोई भी असर नहीं होता और हम देखते हैं कि उसकी वजह से ब्रोली और भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर अपनी पावर को अप करने लगता है। और तभी जिन कहता है, आखिर कैसे, ये इतना ताकतवर, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं क्योंकि लगता है लड़ाई का असली मजा मुझे अब आने वाला है। और उधर हम देखते हैं कि ब्रोली कामोरी पे अपने एक की ब्लास्ट से हमला करता है और कामोरी उसके हमले से बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फिर कामोरी गुस्से से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली डीमन की ताकत। और फिर इसके बाद कामोरी अपनी पावर को अप करने लगता है
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो ब्रोली पे अपना लगातार हमला करते रहता है। और अब ऐसा लग रहा था कि कामोरी की ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अब ब्रोली पे भारी पड़ रहा था। उधर ब्रोली उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था और तभी कामोरी ब्रोली पे अपना एक आखिरी हमला करता है और कहता है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया बेवकूफ मॉर्टल। और हम देखते हैं कि वो हमला डायरेक्ट जाकर ब्रोली को लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उधर पैरागस ये देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं ब्रोली। इसके बाद फिर उधर कामोरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार ये मॉर्टल भी खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगा मॉर्टल कि तुम एक डीमन को हरा दोगे? मैंने कहा था कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। देखो आखिर तुम मारे गए। और तभी हम देखते हैं कि आइजन अचानक कहता है, कामोरी वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। इस पर कामोरी कहता है, क्या? और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से लगातार अपना हमला उस पर करने लगता है और हम देखते हैं कि ब्रोली उस पर अपने किक और पंचेस की बारिश कर देता है। उधर कामोरी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा होता और ना ही उसे रोक पा रहा था। और तभी अचानक ब्रोली उस पर अपना एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि कामोरी एकदम अधमरा सा हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली उसे खत्म करने के लिए अपने मुँह से कामोरी पर की ब्लास्ट का हमला करता है, लेकिन तभी आइजन बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है। और हम देखते हैं कि ब्रोली आइजन पे भी अपने बहुत सारे किक और पंचेस से हमला कर ही जा रहा था, लेकिन ब्रोली आइजन को छू भी नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि आइजन ब्रोली पे अपना एक पावरफुल अटैक करता है जिससे ब्रोली बहुत ही दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी ब्रोली अचानक से तुरंत उठकर वापस आकर आइजन पर हमला करने लगता है। और उधर आइजन उस पर पहले जैसे अपने अटैक को फिर से दोबारा करता है और हम देखते हैं कि ब्रोली इस बार बहुत ही नीचे खड्डे गहरे के पानी के तालाब में गिरता है। ब्रोली आइजन को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि आइजन के हमला करने के बावजूद भी ब्रोली बार बार उठकर आइजन पर हमला कर रहा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन कहता है, ये तो काफी मजेदार है, मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। और उधर हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरी तरीके से बेकाबू होने लगता है। और तभी वो गुस्से में आइजन को एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है जिसकी वजह से आइजन को थोड़ी चोट आ जाती है। और उधर ब्रोली गुस्से से बेकाबू होकर चिल्लाए जा रहा था, लेकिन तभी आइजन हंसते हुए कहता है, वाह तुम तो बहुत ही लाजवाब हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आने वाला है, चलो आ जाओ। और आइजन ये बात कहकर ब्रोली पर अपना हमला करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइजन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा और अब तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं इस पूरे बींग को ही मिटा दूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही आइजन ब्रोली पर हमला करने जाता है, आइजन के मुंह से फिर से खून निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही गुस्से से आइजन के पास जाने लगता है और वो उस पर एक खतरनाक हमला करने वाला होता ही है कि तभी हम देखते हैं कि जिन अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो ब्रोली के हमले को रोक लेता है। और फिर इसके बाद जिन ब्रोली पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से ब्रोली बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन कहता है, लगता है कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मुझे बहुत मजा आएगा इस लड़ाई में। फिर जिन आइजन से कहता है, तुम आराम करो आइजन, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं उसे देखता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन ये बात कह के आइजन को अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है और कहता है, मैं उसे संभाल लूंगा। इसके बाद फिर जिन ब्रोली से कहता है, चलो देखिए ब्रोली कि तुम मेरा सामना आखिर कैसे करते हो। और फिर उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकोलो और वो नेमेकिन बच्चा वो दोनों ही उस प्लैनेट में पहुंच जाते हैं
और उन्हें वहाँ पर ट्रंक्स भी दिख जाता है। फिर पिकोलो ट्रंक्स के पास जाता है और ट्रंक्स उसे देखकर कहता है, पिकोलो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जवाब में पिकोलो कहता है, ट्रंक्स हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो हमें जल्दी से ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। इस पर वो नेमक बच्चा कहता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर ड्रैगन बॉल कहाँ है। फिर पिकोलो कहता है, ठीक है चलो हमें जल्द ही वहाँ पर जाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वो दो ड्रैगन बॉल्स तक पहुँच जाते हैं। फिर वो नेमेकिन बच्चा कहता है, मिस्टर पिकोलो हमने दो ड्रैगन बॉल्स तो ढूंढ लिए लेकिन हमारे पास बाकी के ड्रैगन बॉल नहीं है, तो फिर हम ड्रैगन को कैसे बुलाएंगे? इसके बाद पिकोलो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बाकी ड्रैगन बॉल्स को लेकर बस कुछ ही देर में आता होगा। और तभी हम देखते हैं कि उन सभी को ब्रोली और बाकी सभी की शक्ति महसूस होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स पिकोलो से कहता है, हे पिकोलो मुझे लगता है कि ये वही सैयन की ताकत है जिसके बारे में मुझे उस याड्रडर ने बताया था, हमें उसके पास जल्द ही जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो नेमेकिन बच्चा कहता है, आप उस प्योर हार्ट सैयन के बारे में बात कर रहे हैं ना? मैं उसे जानता हूँ। फिर ट्रंक्स कहता है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, चलो वो वहाँ पर है, हमें जल्दी से उसके पास चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन और ब्रोली की आपस में फाइट हो रही होती है और ब्रोली लगातार जिन पर अपने हमले किया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जिन उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जैसे कि उस पर ब्रोली के हमले का कोई असर ही ना हो रहा हो। और फिर हम देखते हैं कि जिन ब्रोली पर बार बार अपने पावरफुल अटैक्स को किए जा रहा था। और फिर इसके बाद जिन कहता है, तुम मुझे अब बोर कर रहे हो सैयन, और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे अब और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत लाजवाब है, मैंने तुम्हारे जैसा सैयन कभी नहीं देखा, अलविदा ब्रोली। और ये कहकर जिन ब्रोली पर एक बहुत ही ताकतवर हमला कर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी बेजान होकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। और उधर ये देखकर जिन बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तो ये देखो एक आखिरी सैयन भी मारा गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो ट्रंक्स और वो नेमेकिन बच्चा वहीं पर चुपचाप छुपकर जिन को देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और नेमेकिन आता है जिसके पास पांचों ड्रैगन बॉल होते हैं। फिर पिकोलो उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जल्द से जल्द तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, समझे? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो नेमेकिन जो ड्रैगन बॉल्स लेकर आया था वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर पिकोलो उस नेमेकिन बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे जल्दी से उस ड्रैगन को बुलाओ। और फिर इसके बाद वो नेमेकिन बच्चा नेमेक के ड्रैगन पोरुंगा को बुलाता है। और हम देखते हैं कि आसमान पर पोरुंगा सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी को ये पता चल जाता है कि ड्रैगन को बुलाया गया है। उधर जिन ये सब देखकर कहता है, चलो बहुत बढ़िया, लगता है हमारा काम किसी ने बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से गुस्से से पागल हो जाता है और वो जिन पर अपना हमला कर देता है। और जिन को इस बार बहुत ही जोर से चोट लगती है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फिर जिन कहता है, आखिर ये क्या है, इस पर किसी भी हमले का कोई भी असर क्यों नहीं होता, लगता है कि मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैंने अपनी ताकत आइसन और कामोरी को दी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं अपने उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से दोबारा जिन पर अपना हमला कर देता है। उधर जिन ब्रोली के हमले को रोक नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि आइजन अचानक से ब्रोली को एक शील्ड में बंद कर देता है जिसे ब्रोली तोड़ नहीं पा रहा था। और हम देखते हैं कि ब्रोली बार बार उस शील्ड पे अपने की ब्लास्ट से हमला करता है और ब्रोली लगातार अपना हमला करता रहता है लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पा रहा था। इस पर फिर जिन कहता है, बस कुछ देर और उसे पकड़ कर रखो आइजन, तब तक मैं अपनी ताकत को रिस्टोर कर लेता हूँ। और फिर इधर हम देखते हैं कि पोरुंगा कहता है,
मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा। और हम देखते हैं कि वो नमकीन बच्चा कुछ कह पाता, लेकिन इसके पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कामोरी आ जाता है और वो कहता है, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हें सिर्फ वही ड्रैगन से मांगना है बच्चे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो नमकीन बच्चा कामोरी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अचानक से कामोरी पर हमला कर देता है, लेकिन कामोरी पर पिकोले के हमले का कोई भी असर नहीं होता और कामोरी सिर्फ एक ही पंच में पिकोलो को अधमरा कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी कामोरी पर हमला करता है, लेकिन वो भी कामोरी को छू भी नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि कामोरी ट्रंक्स को भी अपने एक ही पंच से उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद फिर कामोरी कहता है, मैं जो कुछ भी तुम्हें कहूँ तुम्हें सिर्फ वही मांगना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बच्चे। और कामोरी की ये बात सुनकर वो नमकीन बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कामोरी उस बच्चे से कहता है, उस ड्रैगन से कहो कि मेरी पहली इच्छा ये है कि वो डीमन लूसियस को जिंदा कर दे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा डरते हुए ड्रैगन को लूसियस को जिंदा करने के लिए कहता है। इसके बाद फिर पोडुंगा कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और हम देखते हैं कि लूसियस जिंदा हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी उस बच्चे से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तो अब ड्रैगन से कहो कि वो डीमन सिल्विया को भी जिंदा कर दे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पिकोलो उस नमकीन बच्चे से चिल्लाकर कहता है, नहीं ऐसा मत करो, याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा था। और फिर हम देखते हैं कि पिकोलो के इतना कहते ही कामोरी पिकोलो पर अपने की ब्लास्ट से एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से पिकोलो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर कामोरी उससे कहता है, जल्दी करो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी ड्रैगन को बोलो कि वो सिल्विया को जिंदा करे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो नमकीन बच्चा अपनी भाषा में पोडुंगा को उसे जिंदा करने को कहता है। और फिर इसके बाद उधर कामोरी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ही आसान था। इसके बाद फिर लूसियस कहता है, हे कामोरी, लेकिन सिल्विया तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, आखिर वो कहाँ है। और तभी कामोरी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि सिल्विया आखिर कहाँ है। तभी अचानक से ट्रंक्स आसमान में देखता है और ट्रंक्स उस इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ट्रंक्स कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता डैड। और हम देखते हैं कि वो वेजीटा था जिसे ड्रैगन ने जिंदा किया था। इसके बाद फिर पिकोलो उस नमकीन बच्चे से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था कि वो तुम्हारी और पोडुंगा की भाषा को समझ नहीं पाएगा। इस पर नमकीन बच्चा कहता है, मैं बहुत डर गया था मिस्टर पिकोलो, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस पर फिर कामोरी बहुत ही गुस्से से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिद्दी। और ये कहकर कामोरी उस बच्चे पर अपने की ब्लास्ट से हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकोलो उसके आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से पिकोलो बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद कामोरी बहुत ही गुस्से से कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा कामोरी पे एक हमला करता है, जिसकी वजह से कामोरी बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जिन के पास जाता है, उधर जिन अपनी शक्तियों को रिस्टोर कर रहा था और तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जो जिन से कहती है, दोबारा तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा कैकरोट। और हम देखते हैं कि जिन की सांसें अचानक से वेजिटा को देखकर थम सी जाती है और जिन अचानक से अपने सामने वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इस बार वेजिटा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा को सामने देखकर जिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वेजिटा, लेकिन आखिर कैसे, तुम जिंदा कैसे हो, इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये बात कह के जिन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। और तभी ये सब वेजिटा देखकर कहता है, रुक जाओ जिन, अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है तो मुझसे लड़ो, ना कि इन कमजोरों से। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रंक्स वेजिटा को देखकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ डैड, आप वापस आ गए, आप उसे छोड़ना मत डैड। इस पर वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा ट्रंक्स, तुम यहाँ से बाकियों को लेकर जाओ। इस पर फिर ट्रंक्स कहता है कि डैड
बेड। और तभी वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना ट्रंक्स यहाँ से जाओ वरना। और ट्रंक्स वेजिटा की ये बात सुनकर चुप हो जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है, मैं इस बार आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहता। इसके बाद वो नेमेकिन बच्चा कहता है, नहीं मिस्टर पिकोलो, हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना इनकी जान भी जा सकती है। उधर ट्रंक्स पिकोलो की ये हालत देखकर कहता है, नहीं पिकोलो। और फिर ट्रंक्स उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सेंसो बीन्स नहीं है? जवाब में वो बच्चा कहता है, नहीं मेरे पास कोई सेंसो बीन्स नहीं है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। और तभी हमें पोरुंगा की आवाज़ सुनाई देती है और वो उन लोगों से कहता है, तुम्हारी और कोई इच्छा नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, नहीं रुक जाओ, हे सुनो, तुम जल्दी से ड्रैगन से कहो कि वो पिकोलो को पहले जैसा कर दे, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद वो बच्चा कहता है, ठीक है मैं पोरुंगा से ये कहता हूँ। लेकिन तभी लूसिस उसकी बात सुन लेता है और कहता है, ओ अच्छा, तो लगता है कि अभी भी एक विश ड्रैगन से मांगी जा सकती है। और हम देखते हैं कि वो जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और कहता है, सुनो बच्चे, मैं तुमसे जो कहूँ तुम सिर्फ ड्रैगन से वही मांगोगे वरना तुम मारे जाओगे, समझे। और ये बात सुन के वो नेमेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं मुझे मत मारो। और तभी ट्रंक्स लूसिस पे हमला कर देता है। उधर लूसिस ट्रंक्स के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है, तुम दूर हटो बच्चे, तुम मॉर्टल मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने जो कहा तुम वही करो वरना। उधर ट्रंक्स नीचे गिर जाता है और तभी वेजिटा लूसिल के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये कहकर वेजिटा लूसिस को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। उधर लूसिस वेजिटा के हमले को संभाल नहीं पाता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, थैंक्स डैड। फिर वेजिटा ट्रंक्स से बहुत ही गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उस नेमेकिन बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे, जल्दी से पिकोलो को ठीक करो। उसके बाद फिर वो बच्चा ड्रैगन से पिकोलो को ठीक करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और ये कहने के बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद वेजिटा उन सभी से कहता है, पिकोलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इन सभी को लेकर चले जाओ, क्योंकि मैं ये सब कुछ अकेले ही खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे और जिन के बीच में है, मुझे हर हाल में कैकारॉट को बचाना होगा। जवाब में पिकोलो कहता है, वेजिटा लेकिन संभल कर, वो बहुत ताकतवर है, तुमने उसकी ताकत को उसे रिस्टोर करने का मौका क्यों दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो वेजिटा? इस पर ट्रंक्स कहता है, क्या नहीं डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर फिर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम प्रिंस वेजिटा के बेटे होकर ऐसा मुझसे कैसे कह सकते हो? बेवकूफ, मैं उसकी कमजोरी पे उस पर हमला नहीं करना चाहता, एक प्रिंस होने के नाते ये मेरी शान के खिलाफ है, उसे अपनी पूरी ताकत बढ़ाने ले दो, फिर मैं उससे लड़ूंगा और इस बार मैं ही जीतूंगा, इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला जिन। और ये बात कह के वेजिटा अपनी पावर को अप करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक न्यू ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसे देखकर ट्रंक्स कहता है, डैड आपकी ताकत तो कमाल की है। फिर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम चिंता मत करो बेटे, मैं इस बार नहीं हारने वाला, तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ और बुलमा से कहना कि मैं बहुत जल्द आकर उससे मिलूंगा, जाओ ट्रंक्स। इसके बाद फिर ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इधर वेजिटा जिन से कहता है, तुम्हें और कितना वक्त लगने वाला है जिन, जल्दी करो क्योंकि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद फिर जिन बहुत ही गुस्से से कहता है, वेजिटा मैं तुम्हें इस बार खत्म कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं पूरे यूनिवर्स में कब्जा करूंगा और तब कोई भी ड्रैगन तुम्हें वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सभी ड्रैगन्स को भी खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाओगे या फिर लड़ोगे भी?
और हम देखते हैं कि इसके बाद फिर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को अप करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन अब अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद जिन वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे अपने आप को ठीक करने का मौका दे दिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कैसे कर सकते हो। उसके बाद जिन की ये बात सुनकर वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है, तो ठीक है मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ, चलो मुझ पर हमला करो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हें इतना वक्त देने का क्या परिणाम है, या फिर तुम अभी भी वैसे ही हो। और वेजिटा की ये बात सुनकर जिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार वेजिटा जिन के हमले को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था और जिन उस पर लगातार अपने हमले किए जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा पर जिन के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिससे कि वेजिटा को जिन के हमले रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। और ये देखकर जिन को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि अचानक वेजिटा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मेरे हमले को ये तो बहुत ही आसानी से रोक ले रहा है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, क्या हुआ जिन, कहीं तुम थक तो नहीं गए ना, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी, ये तो मुझे हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन वेजिटा पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और इस बार वेजिटा को वो हमला लगता है और वेजिटा उस हमले से जमीन पर गिर जाता है। इस पर फिर जिन कहता है, तुम शायद कुछ मेरे बारे में कह रहे थे वेजिटा, क्या अभी भी तुम कुछ कहना चाहोगे। इसके बाद फिर वेजिटा जमीन से उठकर कहता है, ये उतना बुरा भी नहीं था, चलो तुमने अपनी कोशिश कर ली, अब मेरी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा जिन पर टूट पड़ता है और जिन उसके हमले को समझ नहीं पाता है और वेजिटा उसे एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और जिन को वो अटैक बहुत ही जोर का लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन कहता है, क्या इसकी इतनी स्पीड, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये इतना तेज, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। फिर वेजिटा कहता है, लगता है कि तुमने मुझे शायद कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। और हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से जिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जिन वेजिटा के हमले को डॉच कर लेता है और कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, शायद मैंने तुम्हें इस बार कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि ये कहकर जिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और ये देखकर वेजिटा कहता है, ये हुई ना बात, अब इस लड़ाई में असली मजा आएगा। और फिर हम उधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आइजन का शील्ड, जिसमें उसने ब्रोली को पकड़ के रखा हुआ था, ब्रोली उस शील्ड पे लगातार अपना हमला करता रहता है और हम देखते हैं कि वो शील्ड धीरे धीरे ब्रोली के हमले से टूटने लगता है। और उधर हम देखते हैं कि जिन और वेजिटा में बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही थी और उन दोनों की लड़ाई से जो एनर्जी निकल रही थी वो इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा प्लैनेट हिलने लगता है और उस प्लैनेट पर उस लड़ाई का काफी ज्यादा असर पड़ रहा था और वो उन दोनों की एनर्जी से कांपने लगता है। और तभी पेरेगस कहता है, नहीं, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लैनेट अचानक से कांप क्यों रहा है, ये सब इन दोनों की लड़ाई की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ब्रोली को लेकर यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पेरेगस ब्रोली को आइजन के शील्ड से छुड़ाने के बारे में सोचने लगता है और वो ये देखता है कि आइजन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और फिर इसके बाद पेरेगस सोचता है, एक बार उस डीमन की ताकत खत्म हो जाए उसके बाद ब्रोली उस शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर उधर दूसरी तरफ हम ट्रंक्स और बाकियों को देखते हैं जो कि प्लैनेट नेमिक की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ट्रंक्स रुक जाता है और कहता है, पिकोलो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। जवाब में फिर पिकोलो कहता है, ट्रंक्स तुम्हारी ताकत अब भी इतनी नहीं है कि तुम उन सब में से किसी का भी सामना कर सको, तो तुम्हारा वहाँ पर जाना एक बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है ट्रंक्स। इस पर ट्रंक्स कहता है, नहीं पिकोलो, मैं अपने डैड को दोबारा नहीं खो सकता, मुझे जाना ही होगा पिकोलो। फिर पिकोलो कहता है, ट्रंक्स मुझे लगता है कि अब वेजिटा उन लोगों को संभाल लेगा,
और विजेता ने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा था, और विजेता भी ये नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर उन लोगों से लड़ो क्योंकि तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है। इसके बाद फिर ट्रंक्स उस पर गुस्से से कहता है, बस करिए पिकोलो, मैं थक चुका हूँ ये सब सुन सुन के। मेरे डैड की ताकत बहुत ज्यादा है और मेरी ताकत तो उनके ताकत के आसपास भी नहीं है। अगर मैं ताकतवर होता तो मैं अपने डैड को पहले ही बचा लेता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने डैड को इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा, और चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसके बाद फिर पिकोलो कहता है, ठीक है ट्रंक्स, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर ट्रंक्स पिकोलो से कहता है, आप मॉम से कहना कि मैं डैड के साथ आऊंगा। फिर पिकोलो कहता है, ठीक है ट्रंक्स, अपना ध्यान रखना। और ये कह के पिकोलो और ट्रंक्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और ट्रंक्स जाते हुए कहता है कि इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा डैड। उधर हम देखते हैं कि जिन और विजेता में बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है, और वो दोनों अपने फुल पावर में फाइट कर रहे होते हैं। तभी जिन कहता है, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है विजेता। और फिर इसके बाद विजेता कहता है, तुमने सही कहा और इस बार तुम मरोगे जिन, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी बार कहता हूँ, क्या करॉट की बॉडी वापस करो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहने वाला, समझे। इसके बाद फिर जिन गुस्से से कहता है, कभी नहीं विजेता, मैंने पहले भी तुम्हें मारा था और मैं इस बार भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कह के जिन विजेता पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि विजेता जिन के हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, और फिर उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारे पास आखिरी मौका था जिन, लेकिन लगता है कि तुम और कैकरोट अब एक साथ ही मरोगे। और ये कहकर विजेता जिन पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी जिन बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। उधर विजेता जिन को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, और विजेता जिन से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। इस पर जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है विजेता, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा, समझे विजेता, तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी विजेता। जिनकी ये बातें सुनकर विजेता बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या कैकरोट, ये तुम हो। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ विजेता, ये मैं हूँ। गोकू, क्या तुम भूल गए। उधर विजेता इसके बाद अपने हमले को रोक कर शांत हो जाता है और कहता है, तुमने आखिर डार्क जिन को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ विजेता, ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैंने इसे कर लिया। इसके बाद फिर विजेता पीछे मुड़कर कहता है, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने इसे काबू कर लिया, वरना मैं तो तुम्हें खत्म ही करने वाला था। और तभी अचानक से गोकू कहता है, कोई बात नहीं विजेता, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू विजेता पे पीछे से एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, और उधर विजेता उस हमले के लिए तैयार नहीं था, और विजेता उस हमले को झेल नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर गोकू हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ विजेता, तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना तो कितना आसान है, अब मैं तुम्हें इस प्लैनेट के साथ ही खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इतना कहते ही जिन एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है, और उधर विजेता उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता, विजेता को बहुत ही जोर की चोट आई थी। और फिर इस पर विजेता कहता है, डरपोक कायर, पीछे से वार करते हो, तुम बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जिन कहता है, लेकिन कैसे विजेता, तुम तो उड़ भी नहीं पा रहे, और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये कह के जिन अपने हमले को विजेता की तरफ छोड़ देता है। उधर विजेता अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो सोचता है, नहीं ये फिर से नहीं, मैं फिर से इससे नहीं हार सकता, इस बार नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुरंत इसके हमले को नहीं रोक सकता, मैं क्या करूं? और हम देखते हैं कि जिनका वो अटैक विजेता की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। उधर विजेता चिल्लाने लगता है और कहता है, नहीं ये फिर से नहीं, मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। लेकिन हम देखते हैं कि विजेता कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर विजेता कहता है, क्या मैं फिर से इसके हाथों मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है
और वो जीन के उस हमले को रोकने की कोशिश करता है और फिर ट्रंक्स कहता है, डैड मैं इस बार आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उधर वेजिटा ट्रंक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ट्रंक्स तुम यहाँ पर, लेकिन तुम वापस क्यों आए? जवाब में ट्रंक्स कहता है, डैड मैंने मॉम से वादा किया है कि मैं आपको सही सलामत उनके पास लेकर जाऊंगा। इस पर फिर जिन कहता है, ओह देखो जरा ये पिद्दी अब मेरे हमले को रोकेगा, तुम भी अब अपने इस घमंडी पिता के साथ ही मरोगे ट्रंक्स। इस पर फिर ट्रंक्स कहता है, नहीं इस बार नहीं, इस बार मेरे डैड नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं कि ये कह के ट्रंक्स अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स की ताकत अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है जिसकी वजह से ट्रंक्स के मुंह से खून निकलने लगता है और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, रुक जाओ ट्रंक्स, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी इसे रोकना होगा ट्रंक्स, रुक जाओ। इस पर फिर ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड, एक बार आपने अपनी जान देकर सबको बचाया था और इस बार मेरी बारी है डैड। और हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं ट्रंक्स रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रंक्स लगातार अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और ट्रंक्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। और उधर जिन ट्रंक्स को देखकर कहता है, इसके पास इतनी ताकत, ये कैसे? और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स जिन के उस अटैक को रिवर्स करने में कामयाब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स की बॉडी जो कि पूरी खून से भरी हुई होती है और फिर वो वेजिटा से आखिरी बार कहता है, अलविदा डैड, मॉम को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा क्योंकि मैं अब उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। उधर वेजिटा ट्रंक्स को हैरानी से देखता रह जाता है और उधर ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पूरी शक्ति को बढ़ाने लगता है और अब ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बहुत ही गहरा धुआं हो जाता है। और जैसे ही वो धुआं हटता है हम देखते हैं कि जिन जख्मी हो चुका था और फिर इसके बाद जिन कहता है, इसकी ताकत इतनी भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था, ये प्लैनेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। और उधर जिन आइजन के पास जाता है और कहता है, आइजन मेरी ताकत ज्यादा बची नहीं है, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, चलो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इतना कहते ही जिन उन सभी को लेकर के वहाँ पे एक पोर्टल खोल के वहाँ से जाने लगता है और तभी उसकी नजर वेजिटा पे पड़ती है जो कि एकदम शांत बैठा हुआ था। और तभी वेजिटा के सामने ट्रंक्स की तलवार गिरती है और वेजिटा ट्रंक्स की वो तलवार देखकर समझ जाता है कि ट्रंक्स अब मर चुका है और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। और उधर जिन ये देखकर कहता है, जैसे मेरा बेटा मारा गया वेजिटा, वैसे ही तुम्हारा बेटा। और फिर इसके बाद जिन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि पैरागस अचानक उस पर हमला कर देता है और जिन उसे ऐसा करता हुआ देखकर उस पर एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिसकी वजह से पैरागस मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली को जो कि उस शील्ड में बंद था और वो अचानक से उस शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर ब्रोली पागल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और फिर वो जिन की तरफ बहुत तेजी से चिल्लाते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी जिन अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाता रहता है। और उधर वेजिटा भी ट्रंक्स के मरने के कारण अपना आपा पूरी तरीके से खो देता है और वो भी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। ब्रोली और वेजिटा दोनों को अपनी ताकत पे बिल्कुल भी काबू नहीं रहता और जिसकी वजह से वो पूरा प्लेनेट बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है। लेकिन वो दोनों अपनी ताकत का कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुके थे जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और वो पूरा प्लेनेट फटने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा को किसी भी चीज का कोई भी होश नहीं रहता, वो रुक नहीं रहे थे और उनकी शक्ति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेनेट अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ धूल में बदल जाता है। फिर प्लेनेट वाम्पा के फटने के बाद हम देखते हैं कि
जिन उन सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि पिकोलो और वो नमकीन बच्चा, वो लोग देखते हैं कि वो प्लैनेट फट जाता है। इसके बाद फिर पिकोलो कहता है, नहीं, इसका मतलब कि ट्रंक्स और वेजिटा दोनों मारे गए, लेकिन आखिर कैसे? और क्या वो डीमंस भी मारे गए या फिर नहीं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो वहाँ से प्लैनेट नमक की तरफ जाने लगता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अगर तुम होते तो बहुत अच्छा होता गोहान। तुम्हारे डैड को तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है। शायद गोहान होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ? मैं अभी बहुत मजबूर हूँ। मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं उन सभी में से किसी का भी सामना कर पाऊँ। और अब तो न ही वेजिटा है और न ही ट्रंक्स। मुझे जल्द ही गुरु के पास पहुँच कर उनसे बात करनी होगी। और फिर उधर हम देखते हैं कि जिन बाकियों को लेकर एक अलग डायमेंशन में चला जाता है और कहता है, मैं इस बार बाल बाल बच गया, लेकिन अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और इस बार मेरा प्लान कामयाब होकर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद आइजन कहता है, जिन, इस बार हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि मेरी ताकत कम हो गई है और हम काफी टाइम से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमें कुछ देर शांत हो जाना चाहिए, तभी हम अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद फिर कामोरी कहता है, आपने सही कहा लॉर्ड आइजन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसके बाद फिर लूसीज भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें कुछ समय के बाद अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए। लेकिन लॉर्ड आइजन, हमारे बीच सिल्विया नहीं है, तो हम उसे कैसे वापस लाएंगे और बिना उसके हम अपने प्लान को कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि बिना उसके हम सब आपस में एक नहीं हो सकते, माय लॉर्ड। इसके बाद आइजन कहता है, मुझे अभी पता नहीं कि सिल्विया वापस कैसे आएगी, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्या ड्रैगन बॉल हमें कहीं और नहीं मिल सकते? इसके बाद जिन कहता है, हमारे इस यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे पावरफुल जो ड्रैगन है वो गोल्डन ड्रैगन है, जिससे हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तभी इसके बाद कामोरी कहता है, फिर तुम हमें वहीं पर क्यों नहीं लेकर गए? इसके बाद जिन कहता है, बेवकूफ कहीं के, उस ड्रैगन को सिर्फ ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ही श्रमण कर सकते हैं और वो दोनों के दोनों यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिर आइजन कहता है, तो क्या इसका मतलब हम हार गए, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है? जिन फिर कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास रास्ता है। हमें दूसरे डायमेंशन में जाना होगा और हमें टाइम से थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। इस पर आइजन कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जवाब में जिन कहता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इस पर आइजन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ टाइम के बाद निकलेंगे और इस बार हम नाकामयाब नहीं होने वाले। और फिर हम देखते हैं कि हमें पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि नमक प्लैनेट पर पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गुरु के पास जाता है और कहता है कि अब और आगे क्या होने वाला है, मुझे बताइए, क्या आप कुछ भी जानते हैं इसके बारे में, मुझे बताइए। इसके बाद गुरु कहते हैं, पिकोलो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कोई बच्चा भी होगा या नहीं। और गुरु की ये बात सुनकर पिकोलो कहता है, मुझे बस इतना जानना है कि ट्रंक्स और वेजिटा का क्या हुआ, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो लोग जिंदा है या नहीं? इस पर वो गुरु कहते हैं, मुझे नहीं पता पिकोलो कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं। उधर पिकोलो ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाता है और फिर कहता है कि क्या वो डीमंस भी मारे गए या नहीं, मुझे बताइए। इसके बाद गुरु कहते हैं, मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पता पिकोलो कि उस डीमंस के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो डीमंस बहुत ही ज्यादा पौराणिक काल से हैं और उन लोगों की शक्ति बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग सिर्फ एक प्लैनेट के फटने से मर जाएंगे। पिकोलो इसके बाद सोचने लगता है और कहता है,
आखिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि वेजिटा और बाकियों का आखिर क्या हुआ, और वो डीमंस अगर वो जिंदा हुए तो हम क्या करेंगे। इसके बाद फिर पिकोलो कहता है मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो वहाँ से निकल जाता है, और फिर हम देखते हैं कि हमें बुलमा का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो बहुत ही बेसब्री से ट्रंक्स का इंतजार कर रही थी। लेकिन बुलमा अब ये नहीं जानती थी कि ट्रंक्स अब जिंदा नहीं है और वो मर चुका है। और तभी हम देखते हैं कि हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर प्लैनेट वाम्पा ब्लास्ट हुआ था, और हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा एक शील्ड के अंदर होते हैं और वो बेहोश होते हैं, क्योंकि ब्रोली और वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी, इसीलिए वो दोनों बेहोश पड़े थे, और अंतरिक्ष में वो दोनों काफी दूर तक उड़ते ही जा रहे थे। दरअसल में जब प्लैनेट वाम्पा ब्लास्ट हुआ तब ब्रोली के अंदर से एक ऊर्जा निकली थी, उसी से वो शील्ड बन गया था, और उसी शील्ड में ब्रोली और वेजिटा बेहोश पड़े थे, लेकिन वो दोनों जिंदा थे और वो हवा में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक स्पेसशिप गुजर रहा होता है, और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है, और वो स्पेसशिप फ्रीजा का होता है। इसके बाद फिर फ्रीजा का एक कमांडर कहता है माय लॉर्ड, मुझे दो सयन दिखे हैं जो कि एक अजीब से बॉल के अंदर हैं, लेकिन वो दोनों शायद मर चुके हैं। तभी फ्रीजा कहता है क्या सयन? लेकिन सयन तो सिर्फ अर्थ पे है, और सयन में तो सिर्फ वो दो बंदर ही बचे थे और उनके बेवकूफ बच्चे, लेकिन यहाँ पर आखिर कौन हो सकता है गोकू और वेजिटा के अलावा? सुनो, मुझे जल्दी से दिखाओ कि वो कौन है, आखिर मैं भी तो देखूं कि ये सयन कौन है, क्योंकि अर्थ तो कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है जहाँ तक मैंने देखा था। खैर वो सब छोड़ो, जरा देखो तो कि आखिर ये कौन है जो यहाँ पर है। हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रीजा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये क्या, ये तो प्रिंस ऑफ सयन वेजिटा है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत आखिर कैसे, और ये इसके साथ आखिर ये कौन है? इसके बाद फिर फ्रीजा अपने कमांडर से कहता है सुनो, उन दोनों को अंदर ले लो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली उन दोनों को फ्रीजा के स्पेसशिप के अंदर लाया जाता है, और फिर इसके बाद फ्रीजा वहाँ पर उन दोनों के सामने जाता है और कहता है ओह, इनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, वैसे मुझे सयन से बहुत ज्यादा नफरत है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी इन्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी ऐसी हालत किसने की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है मेरी बात सुनो, वेजिटा को हेल्थ रिकवरी कैप्सूल में डाल दो ताकि ये ठीक हो सके, इसके बाद फिर मैं इससे पूछूंगा कि आखिर ये सब इसके साथ किसने किया। इसके बाद फिर फ्रीजा के सैनिक कहते हैं महाराज फ्रीजा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बड़े पहलवान का आखिर क्या करना है? इसे भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन इसके जख्म तो काफी जल्दी ठीक हो रहे हैं। फ्रीजा इस पर फिर सोचने लगता है और कहता है वाह, क्या बात है, मैंने ऐसा सयन कभी नहीं देखा, क्या बात है, इसकी ताकत तो लाजवाब है, लेकिन रुको जरा, इसके गले में आखिर ये क्या है, मैं जरा देखूं तो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रीजा ब्रोली के पट्टे को छूता है उसे एक जोर का झटका लगता है, और तभी वेजिटा ये समझ जाता है कि ये सयन भी बेकाबू हो सकता है। इसके बाद फ्रीजा कहता है मेरी बात सुनो, इसके गले का पट्टा निकाल दो और इसे स्पेस सीफ के निचले वाले तहखाने में डाल दो, जब इसे होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना, समझ गए? फ्रीजा के सैनिक कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक वेजिटा को हेल चेंबर में डाल देते हैं और ब्रोली को उस स्पेसशिप के चेंबर में, और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इन दोनों की ऐसी बुरी हालत कर दी, लेकिन मानना पड़ेगा वो काफी ताकतवर होगा, लेकिन मैं भी उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा, और हो सकता है कि वो मेरे काम आ जाए और फिर उसकी मदद से मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। और ये बात कह के फ्रीजा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, और उधर हम देखते हैं कि आइजन जीन से कहता है जीन, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा, हम ज्यादा देर और इंतजार नहीं कर सकते। इस पर फिर कामोरी भी कहता है हाँ लॉर्ड आइजन, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से हम सिल्विया को जिंदा करें और फिर हम अपना सपना पूरा करें, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। जिन, आखिर तुम करने क्या वाले हो, हमें बताओ। इसके बाद जिन कहता है
मैं एक पोर्टल को खोलने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ, जिसके बाद हम सबसे पावरफुल ड्रैगन बॉल का पता लगाकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आइजन कहता है, तुम ये काम आराम से करो जिन, हम इस बार कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद लूसीज कहता है, आपने सही कहा माय लॉर्ड, इस बार हमारा प्लान कामयाब होकर रहेगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा के स्पेसशिप में ब्रोली को अब धीरे धीरे होश आने लगता है और उसे होश में आता हुआ देखकर फ्रीजा का कमांडर कहता है, नहीं इसे तो होश आ रहा है, मुझे जल्द ही महाराज फ्रीजा को ये बात बतानी होगी। इसके बाद फ्रीजा का कमांडर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली को अब होश आ गया था और वो बिल्कुल शांत होता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा का कमांडर फ्रीजा के पास जाकर कहता है, महाराज फ्रीजा, उस पहलवान सयन को होश आ चुका है, आपको ये देखना चाहिए। फिर फ्रीजा कहता है, क्या इतनी जल्दी, लेकिन कैसे? वाकई में वो एक लाजवाब सयन है, मुझे तो लगा था कि उसे काफी देर लगेगी, लेकिन ये तो दूसरों से काफी अलग है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपने पिता के मौत के बारे में सोचने लगता है और वो पागल होने लगता है। ब्रोली अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था। ब्रोली उस बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और जिसकी वजह से फ्रीजा का स्पेसशिप पूरी तरीके से हिलने लगता है। फिर ये देखकर फ्रीजा के सैनिक कहते हैं, महाराज फ्रीजा, इस तरीके से तो वो सैनिक हमारे पूरे स्पेसशिप को खत्म कर देगा। फ्रीजा फिर कहता है, उसे स्पेसशिप के बाहर फेंक दो जल्दी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग ब्रोली को स्पेसशिप के बाहर फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने पिता की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर इसके बाद फ्रीजा उसे देखकर कहता है, वाह इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सयन इतना भी ताकतवर हो सकता है, आखिर ये कैसा सयन है। और हम देखते हैं कि ब्रोली बाहर लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा था। और फिर इसके बाद फ्रीजा का कमांडर कहता है, महाराज फ्रीजा, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा वरना हमारे जहाज को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, ये काफी ताकतवर है, मैं इसे अपनी सेना का कमांडर बनाऊंगा। और फिर फ्रीजा अपने एक कमांडर से कहता है, सुनो केकनॉक्स, जल्दी से वो रिमोट मुझे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि केकनॉक्स फ्रीजा को एक रिमोट लाकर देता है और फिर इसके बाद फ्रीजा उस रिमोट के बटन को दबाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को अचानक बहुत ही जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा केकनॉक्स से कहता है, सुनो केकनॉक्स, उसे अंदर ले आओ। इसके बाद फिर केकनॉक्स फ्रीजा से कहता है, महाराज अगर हम उसे अंदर लेके आएंगे तो वो फिर से हमारे स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर इसके बाद फ्रीजा बहुत ही गुस्से से केकनॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा। इसके बाद केकनॉक्स डरते हुए कहता है, मैं समझ गया महाराज। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को दोबारा से फ्रीजा के स्पेसशिप के अंदर ले लिया जाता है और फिर ब्रोली को एक केज के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। और फिर इसके बाद फ्रीजा ब्रोली के पास जाता है और वो उसे ध्यान से देखता है और कहता है, तुम तो काफी लाजवाब हो, तुम हो कौन मुझे बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से ब्रोली को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और फिर से फ्रीजा उस रिमोट के बटन को दबा देता है, जिससे कि ब्रोली को एक बार फिर से जोर का झटका लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अब शांत हो जाता है। इसके बाद फिर फ्रीजा उससे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम आखिर कौन हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, समझे। इसके बाद ब्रोली कहता है, मेरा नाम ब्रोली है, मैं अपने पिता के साथ प्लैनेट वाम्पा पर रहता था, लेकिन कुछ लोग बाहर से वहाँ पर आए और सब कुछ खत्म कर दिया और उन्होंने मेरे पिता को भी मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ब्रोली ये कह के फिर से गुस्सा होने लगता है, लेकिन फ्रीजा कहता है, तुम शांत हो जाओ ब्रोली, जिसने भी ऐसा किया है उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
तुम चिंता मत करो। इसके बाद फिर ब्रोली धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है, सुनो ब्रोली, तुम आराम करो, मैं बाद में आके तुमसे मिलता हूँ, ओके। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इतना कहते ही फ्रीजा फिर वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते मन में ये सोच रहा होता है कि क्या ये भी उस टाइम बच गया था जिस टाइम मैंने प्लेनेट वेजिटा को खत्म किया था। पता नहीं और कितने सैयंस होंगे जो कि बच गए होंगे, लेकिन मैंने तो सभी को खत्म कर दिया था, तो ये बच कैसे गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरे सैयन जाति को ही मिटा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे बहुत काम आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा वेजिटा के पास जाता है और फ्रीजा ने वेजिटा को एक हेल्थ चैम्बर के अंदर रखा हुआ था ताकि वो जल्द ही ठीक हो सके। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, ओह प्रिंस ऑफ सैयन, कैसे हो? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत आखिर किसने की? पता नहीं, लेकिन मेरा तो मन अभी ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर वो है कौन जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराया है, जिसने तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी है। और इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और शायद वो मेरे बहुत काम आ जाए। खैर ये सब जाने दो, अभी इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है, पहले तो इसे होश में आना होगा। चलो अब मैं चलता हूँ प्रिंस वेजिटा। और हम देखते हैं कि फ्रीजा ये कह के वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि इधर जिन कहता है, मुझे वो डायमेंशन मिल गया जहाँ पर ड्रैगन बॉल है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद फिर आइजन कहता है, जिन हम बिल्कुल तैयार हैं और इस बार कुछ भी हो जाए हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर कामोरी भी कहता है, लॉर्ड आइजन हम दोनों भी पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर जिन कहता है, तो ठीक है। फिर इसके बाद जिन एक पोर्टल खोलता है और कहता है, चलो जाने का वक्त आ गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन जिन और बाकी सभी एक न्यू डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद जिन कहता है, वो ड्रैगन बॉल हमें यहीं पर मिलेगा। फिर कामोरी कहता है, ठीक है चलो फिर जल्दी से उसे ढूंढते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद फिर जिन कहता है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन बॉल यहीं पर है। इसके बाद फिर लूसीस कहता है, क्या लेकिन कहाँ? जवाब में जिन कहता है, वो सामने वाले घर के अंदर, वहीं पर सारे ड्रैगन बॉल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसीस कहता है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन बॉल्स को लाने के लिए लूसीस उस घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर उस प्लेनेट के कुछ लोग होते हैं जो कि लूसीस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? और तभी लूसीस की नज़र उन सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स पर पड़ती है और वो ड्रैगन बॉल्स को देखकर कहता है, वो सारे ड्रैगन बॉल्स। उसके बाद फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, नहीं प्लीज इन ड्रैगन बॉल्स को लेकर मत जाओ, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और वो बच्चा लूसीस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और लूसीस उस बच्चे को देखकर हंसने लगता है और कहता है, बच्चे तो तुम मुझे रोकोगे, ना समझ पिद्दी। और हम देखते हैं कि लूसीस इतना कहते ही उस बच्चे को बहुत ही जोर से हिट करता है जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद लूसीस उस सारे ड्रैगन बॉल्स को लेकर बाहर आ जाता है और आइजन के सामने रख देता है। और फिर इसके बाद लूसीस कहता है, लॉर्ड आइजन ये रहे सारे ड्रैगन बॉल्स, ये तो काफी आसान था और अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद फिर आइजन कहता है, तो ठीक है मैं ड्रैगन को बुलाता हूँ। लेकिन आइजन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो बच्चा फिर से उठकर उनके सामने आ जाता है और वो उनके पास जाकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये ड्रैगन बॉल्स हमारे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो बच्चा ये कह के वो सारे ड्रैगन बॉल्स को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी कामोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम ना समझ पिद्दी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कह के कामोरी उस बच्चे पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कामोरी के की ब्लास्ट को कोई अपने हमले से रोक देता है
और हम देखते हैं कि जिन की आंखें उसे देखकर फटी रह जाती है। और फिर जिन उस इंसान को देखकर कहता है, क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, आप जिंदा हैं, डेड। और फिर हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि बारडॉग होता है, गोकू का बाप। फिर गोकू बारडॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर कहता है, डैड आप जिंदा हैं? मुझे तो लगा था कि आप मारे गए जब फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को खत्म कर दिया था। इसके बाद फिर बारडॉग कहता है, कैकारॉट क्या ये तुम हो? सच में मुझे तो लगा था कि मैंने सबको खो दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। इसके बाद फिर गोकू कहता है, आप यहाँ पर आखिर आए कैसे डैड? जवाब में बारडॉग कहता है, जब प्लैनेट वेजिटा खत्म हुआ तब पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक अलग ही डायमेंशन में चला गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। इसके बाद फिर आइजन कहता है, जेन ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें अपना मकसद पूरा करना है। इसके बाद फिर बारडॉग कहता है, क्या कैसा मकसद, आखिर तुम किस मकसद की बात कर रहे हो? इसके बाद फिर कामोरी कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है समझे मॉर्टल, तो बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। इसके बाद बारडॉग कहता है, मुझे बताओ कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? इसके बाद आइजन कहता है, हम ड्रैगन बॉल्स की मदद से सिल्विया को जिंदा करने वाले हैं और फिर इसके बाद हम सब एक हो जाएंगे और फिर इसके बाद हम इस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे। और बारडॉग उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसा करने वाले हो? और कैकारॉट तुम इनका साथ दे रहे हो, मुझे जवाब दो। इसके बाद गोकू कहता है, डैड मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया उन गॉड्स की वजह से, मेरा बेटा मेरी वाइफ सब मारे गए, इसीलिए मैं सभी गॉड्स का वजूद ही मिटा देना चाहता हूँ, मैं सभी को खत्म कर देना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए डैड, फिर हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद फिर बारडॉग बहुत ही गुस्से में कहता है, कैकारॉट तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है कि तुम आखिर क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा कैकारॉट। इसके बाद फिर लूसियस कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बकवास सुन ली है, अब हमारे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग कहता है, ठीक है कोशिश करके देख लो। और तभी हम देखते हैं कि लूसियस बारडॉग पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन बारडॉग उसके हमले को रोक लेता है और उस पर अपने एक की ब्लास्ट से हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर ये देखकर कामोरी कहता है, ना समझ मॉर्टल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी बारडॉग पर अपना हमला कर देता है, लेकिन बारडॉग उसके हमले को भी रोक लेता है। और ये देखकर अब कामोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और हंसते हुए कहता है, इस बार हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस बार हम सारे मॉर्टल्स को मिटा कर रख देंगे और इस पूरे मल्टीवर्स पर सिर्फ हमारा राज होगा। और ये कहने के बाद कामोरी बारडॉग पे अपने एक की ब्लास्ट से अटैक करता है और इस बार बारडॉग उसके हमले को रोक नहीं पाता और वो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ मॉर्टल। और ये कह के कामोरी एक की ब्लास्ट को बारडॉग की तरफ छोड़ देता है, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर कामोरी के उस अटैक को रोक लेता है और कहता है, मेरे डैड से दूर रहो समझे बेवकूफ डीमन। इसके बाद फिर कामोरी कहता है, क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये हमारे रास्ते में आ रहा है और तुम इसे बचा रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ जिन, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता के साथ ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, अगर मेरे डैड की तरफ किसी ने भी हमला किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कह के गोकू अपने पावर को अप कर देता है और वो सुपर सैयन रोज में बदल जाता है। उधर आइजन ये सब खड़ा होकर दूर से देख रहा था और वो गोकू से कहता है, जेन ये तुम क्या कर रहे हो,
क्या तुम अपना मकसद भूल गए? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हें जो करना है करो आइजन, लेकिन मेरे डैड को अगर किसी ने भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। पहले ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मैं अपने पिता को नहीं खो सकता। इसके बाद फिर आइजन कहता है, तो ठीक है जिन, तुम तुम्हारे पिता के साथ ही मरोगे। और ये कह के आइजन कामोरी और लूसियस से कहता है, सुनो कामोरी और लूसियस, मैं ड्रैगन को बुलाने जा रहा हूँ, ध्यान रहे कि मेरे बीच में कोई ना आ पाए, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, ठीक है लॉर्ड आइजन, मैं भी यही चाहता था। वैसे भी मुझे इस मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा नफरत है, और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है, मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, मुझसे और मेरे डैड से दूर रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी और लूसियस दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम आज हमारे हाथों से ही मरोगे मॉर्टल। इसके बाद फिर बारडॉग कहता है, तुम लोग, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, वो ड्रैगन बॉल्स तुम्हारे नहीं हैं। और ये कहकर बारडॉग अपनी पावर को अप करने लगता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, रुक जाइए डैड, आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें मैं देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों डीमन से कहता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हमें फ्रीजा का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा को अब धीरे धीरे होश आने लगा था, और फ्रीजा का कमांडर ये देख लेता है और वो जाकर फ्रीजा को ये बात बता देता है। और फिर इसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या वेजिटा को होश आ रहा है? तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं कि वो बंदर आखिर क्या कह रहा है। वैसे भी मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इतना कहते ही फ्रीजा वेजिटा के पास जाता है, और फ्रीजा देखता है कि वेजिटा को अब होश आ चुका था, और वो उस चेम्बर से बाहर आ जाता है और कहता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? इसके बाद फ्रीजा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हें आखिरकार होश आ ही गया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वेजिटा कहता है, फ्रीजा तुम, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, क्या वेजिटा, तुमने आखिर क्या कहा? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम भूल गए? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो वेजिटा? इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो फ्रीजा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ये भी अपने मतलब के लिए किया होगा, मैं तुम्हारी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। इसके बाद फ्रीजा कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। इस पर फिर वेजिटा कहता है, क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है फ्रीजा, और मैं तुम्हें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझता। इसके बाद फ्रीजा कहता है, मेरी बात सुनो वेजिटा, प्लेनेट अर्थ तो अब नहीं रहा और सब लोग तो मारे जा चुके हैं, लेकिन जिसने भी ऐसा किया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उसे लड़ाई हुई है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे उसके बारे में बताओ वेजिटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर फिर वेजिटा कहता है, एक प्रिंस ऑफ सैयन को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, समझे? इसके बाद फ्रीजा कहता है, ओह, कहीं तुम उसका नाम लेने से डर तो नहीं रहे ना? वेजिटा इसके बाद गुस्से से कहता है, मैं उस बेवकूफ कैकरोट से नहीं डरता। इसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या गोकू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है ना वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है, मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बेवकूफ बीरस ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। उधर फ्रीजा वेजिटा की ये बात सुनकर सोचता है, क्या लॉर्ड बीरस, उन्होंने ही तो मुझे बहुत पहले प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने का हुक्म दिया था, कहीं ये बात इसे पता तो नहीं चल गई? इसके बाद फिर वेजिटा फ्रीजा से कहता है, वो बीरस, उसके कहने पे मैंने कैकरोट को धोखा दिया, मैंने उसे टाइम चेम्बर में बंद कर दिया, मुझे शर्म आती है अपने आप को एक प्रिंस ऑफ सैयन कहते हुए, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो अब इसे मैं ही ठीक करूंगा, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा कैकरोट। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा फ्रीजा से पूछता है, हे फ्रीजा, मेरे साथ एक और सैयन भी था, क्या वो भी तुम्हारे पास है या फिर तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला था? जवाब में फ्रीजा कहता है, ओह, तो शायद तुम ब्रोली की बात कर रहे हो। हाँ, वो थोड़ा बेकाबू हो रहा था, तो
तो हमने उसे तहखाने में डाल दिया। इसके बाद विजेता कहता है उसके पास चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और विजेता दोनों ही ब्रोली के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली एक पिंजरे में होता है। फिर विजेता ब्रोली को देखकर कहता है तो ये है वो सैयन। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली विजेता की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। फिर विजेता ब्रोली को देखकर ये समझ जाता है कि ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है और ब्रोली विजेता को घूरने लगता है। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है देखो देखो मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर तुम लोगों को लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों शांत हो जाओ, समझ गए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा की बात सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। और फिर इसके बाद विजेता कहता है पता नहीं कैकारोट आखिर कहाँ होगा, लेकिन अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि कामोरी और लूसियस से लड़ने जा रहा था। और तभी कामोरी और लूसियस दोनों एक साथ गोकू पर अपना हमला करते हैं, लेकिन गोकू उनके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसियस और कामोरी दोनों ही अपने की ब्लास्ट से गोकू पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से गोकू नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस अपने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जब भी गोकू लूसियस पर अपना हमला कर रहा था वो उसकी ताकत को सोख ले रहा था। और अब हम देखते हैं कि गोकू अब धीरे धीरे उन दोनों के सामने कमजोर पड़ रहा था और वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। इसके बाद फिर कामोरी कहता है मैं तुम्हें आज अपने हाथों से ही मारूंगा मॉर्टल। और इतना कहते ही कामोरी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि गोकू की ताकत बहुत ही कम हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर कैसे ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और मैं अपनी ताकत लगातार खोता जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी गोकू के सामने तुरंत आ जाता है और वो उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से गोकू अधमरा सा हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब कामोरी बारडॉग के पास जाता है और कहता है तुम्हारा बेटा अब लड़ने के लायक नहीं रहा, अब मरने की बारी तुम्हारी है सैयन। और इतना कहते ही कामोरी बारडॉग पे भी अपने की ब्लास्ट से हमला करता है और बारडॉग उसके हमले को रोक नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर लूसियस भी उसके पास जाता है और कहता है हे कामोरी, इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसके बाद बारडॉग कहता है नहीं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आखिर क्यों, मैं इनसे लड़ क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत सोख ली है। उधर बारडॉग कामोरी की ये बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है क्या ये वाकई में ऐसा कर सकता है। इसके बाद फिर लूसियस भी कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि तभी गोकू अचानक से उठ जाता है और गोकू बहुत ही गुस्से में होता है और वो ये कहता है मेरे डैड से दूर हो जाओ डीमंस। हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही गुस्से में होता है और वो चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को अप करने लगता है। और हम देखते हैं कि गोकू अब अपने एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है और फिर कहता है मेरे डैड से दूर रहो डीमंस। इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखकर कामोरी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस न्यू फॉर्म में हमें हरा दोगे, तो कोशिश करके देख लो, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कामोरी ये बात कहता है गोकू बहुत तेजी से उसके पास जाता है और उसे एक जोर का पंच मारता है। और हम देखते हैं कि गोकू उस पर लगातार अपने पंचेस से हमला करता रहता है। इस बार कामोरी गोकू के हमले को रोक नहीं पाता और वो गोकू से बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाता है। और फिर गोकू इसके बाद लूसियस पे एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लूसियस के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर इसके बाद गोकू लूसियस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस बार गोकू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूसियस के बॉडी के आधे टुकड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत तकलीफ में होता है। इसके बाद फिर गोकू बारडॉग के पास जाता है और वो उससे कहता है आप ठीक तो है ना डैड। इसके बाद बारडॉग कहता है कैकारोट मैं बिल्कुल
ठीक हो। सुनो कैकरोट, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे, लेकिन अब हमें इस लड़ाई को खत्म करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन ड्रैगन को बुला लेता है और वो सिल्विया को जिंदा करने की विश ड्रैगन से मांग लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन सिल्विया को जिंदा कर देता है और फिर इसके बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन गोकू और बारडॉग की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार अब हम चारों डीमंस एक हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग गोकू से कहता है, तैयार हो जाओ कैकरोट, तुम्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तुम्हें इसे जीतना ही होगा क्योंकि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग और गोकू दोनों ही सुपर सैयन ओमनी फॉर्म में बदल जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइजन आखिरकार तीनों डीमंस के साथ मर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके भी होने लगते हैं। फिर बारडॉग गोकू से कहता है, तैयार हो जाओ कैकरोट, क्योंकि ये लड़ाई अब बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन डैड, मैं इस लाजवाब ताकत को संभाल नहीं पा रहा। इसके बाद बारडॉग कहता है, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग गोकू को अपनी एक खास ताकत देता है, जिसकी वजह से गोकू को अपने अंदर एक बहुत ही अजीब ऊर्जा महसूस होती है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बारडॉग बेहोश हो जाता है और गोकू बारडॉग को देखकर कहता है, आप आराम करिए डैड, मैं इसे देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रोशनी हटती है, हम देखते हैं कि आखिरकार वो चारों डीमंस एक हो जाते हैं। और उसके बाद वो डीमन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उधर गोकू ये सब देखकर कहता है, मैं अब तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ डीमन, चलो अब इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करें। और वो उस डीमन से पूछता है, और अब तुम कौन हो? इसके बाद वो डीमन कहता है, आखिरकार इतने सालों के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब मैं पूरे ब्रह्मांड से सभी मॉर्टल बींग्स को मिटा कर रख दूंगा और फिर उसके बाद सिर्फ हम डीमंस का राज होगा। इसके बाद फिर गोकू कहता है, मैंने पूछा आखिर तुम कौन हो? इसके बाद फिर वो डीमन कहता है, मेरा नाम ऑर्थस है और मुझे कई साल लग गए इस काम को अंजाम देने में, लेकिन अब जब मैंने इसे हासिल कर लिया है तो अब मैं सारे मॉर्टल्स को सभी मल्टीवर्स से खत्म कर दूंगा। उधर गोकू उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, शायद मैं इसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी, मैं इतनी आसानी से ये सब खत्म होने नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ऑर्थस से कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारी दुश्मनी गॉड से है, वो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही अब नहीं हैं, तो तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी नहीं है, तो तुम्हें मॉर्टल्स को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? इसके बाद फिर ऑर्थस बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा मॉर्टल? मुझे तुम जैसे मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मैं उस पूरे मल्टीवर्स में जितने भी मॉर्टल्स हैं, उन सभी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। फिर ऑर्थस कहता है, ओह तो तुम मुझे रोकोगे? कोशिश करके देख लो मॉर्टल। इसके बाद फिर गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू उस पर अपना हमला करता है और उधर ऑर्थस गोकू के उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो गोकू से कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? चलो भी, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, चलो थोड़ा और जोर लगाओ। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, इसकी ताकत के सामने मैं नहीं टिक सकता, लेकिन इसकी कोई तो कमजोरी होगी। लेकिन क्या, मैं आखिरकार क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस कहता है, आखिर बात क्या है मॉर्टल, तुम इतने कमजोर हो, मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। उधर गोकू उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें वाकई में कमजोर दिखता हूँ? और इतना कहते ही गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर उसके बाद गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा से अटैक करने लगता है
लेकिन हम देखते हैं कि ओमनी सुपर सैयन होने के बावजूद भी गोकू के कामेहामेहा से उस डीमन को एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके बाद फिर वो डीमन कहता है, तुमने कोशिश कर ली, चलो अब मेरी बारी है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ऑर्थस गोकू पे अपना एक जोरदार हमला करता है और उधर गोकू उसके हमले को रोक नहीं पाता और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर इसके बाद ऑर्थस कहता है, तुमने तो मेरे एक ही हमले में दम तोड़ दिया, आखिर क्या हुआ सैयन? तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा कि तुम ऑर्थस को इतनी आसानी से हरा दोगे? मुझे कोई भी हरा या मार नहीं सकता, समझे? तुम नहीं जानते उन गॉड्स के बारे में, वो कितने ज्यादा मतलबी होते हैं। उन सभी ने अपने मतलब के लिए हमें अंधकार में हमेशा के लिए डाल दिया, सील कर दिया। इस यूनिवर्स में जीने का हक सभी को है, लेकिन गॉड्स अपने मतलब के लिए डीमंस को मारते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम सभी को आपस में लड़वा कर अपना मनोरंजन करते हैं। और उस जेनोसामा ने बिना किसी वजह के न जाने कितने यूनिवर्स को खत्म कर दिया है, और उन सभी में से हम सब का भी अपना एक यूनिवर्स था। उधर गोकू उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा यूनिवर्स? फिर ऑर्थस कहता है, हाँ हमारा यूनिवर्स, हमारे पूरे 5 यूनिवर्स थे और उन पर मैं रूल करता था। हम डीमंस अपनी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर वो दिन आया जब हम सबको टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बुलाया गया। फिर गोकू कहता है, क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर? ऑर्थस कहता है, हाँ वही टूर्नामेंट ऑफ पावर जिसे जेनोसामा कई लाखों सालों से करवाता आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन उसमें हमारे दो यूनिवर्स भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो काफी कमजोर थे, लेकिन फिर जेनो ने उन्हें बहुत ही मजबूर कर दिया और उन्हें आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर में भाग लेना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो लोग उस पर नहीं हिस्सा लेते तो जेनो उन्हें ऐसे ही खत्म कर देता। उन सब में से हम 4 थे जो कि एक ही यूनिवर्स से थे, लेकिन हम चारों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए हमारे सभी डीमंस यूनिवर्स को मारना पड़ा। इसीलिए मैं उन गॉड्स को कुचल कर रख देना चाहता हूँ, और तुम सारे मॉर्टल्स उन गॉड्स की पूजा करते हो, इसीलिए मैं किसी भी मॉर्टल्स को जिंदा नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन रुको जरा, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने सभी को मार दिया तो इसका मतलब कि तुम जीत गए होगे, तो फिर तुम ड्रैगन से विश मांगकर सबको जिंदा कर सकते थे, तो तुमने वो क्यों नहीं किया? इसके बाद ऑर्थस कहता है, क्योंकि हमें वो मौका नहीं मिला। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्या, लेकिन कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, दरअसल हमारे साथ हमारे यूनिवर्स में एक ह्यूमन रहता था जो कि हमारे जितना ही काफी ताकतवर था, और उसका नाम गिलगमिस था, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, और हमारे जीतने के बाद हमें लगा कि हमें उसे भी मौका देना चाहिए और वो हमारे पूरे डीमन यूनिवर्स को रिवाइव कर देगा, क्योंकि हम उस पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, क्योंकि उसका यूनिवर्स बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन उसने हमें धोखा दिया और उसने ड्रैगन से सिर्फ अपने यूनिवर्स को बचा लिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया और मैं और मेरे साथी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। फिर हमने जेनो पर और ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, हम में से कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हमने देखा कि अब हमें एक होना होगा वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम एक होने जा रहे थे, उससे पहले ही जेनोसामा ने उस सील को खोल दिया और हमें आखिरकार उसके अंदर बंद कर दिया। हम कई लाखों और करोड़ों साल से उसके अंदर थे, लेकिन जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि लूसियस मारा गया था, नहीं तो हम सब उसी वक्त एक हो जाते। लेकिन तभी सिल्विया भी मारी गई, लेकिन अब आखिरकार हम सब एक हो चुके हैं और इस बार हम सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर गोकू कहता है, मैं इसका सामना अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमें फ्रीजा का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा गोकू की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उधर ब्रोले भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, और तभी फ्रीजा कहता है, क्या बात है वेजिटा,
तुम क्या सोच रहे हो? इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मैं कैकरोट की पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर तुम कहाँ हो कैकरोट? और उधर हम देखते हैं कि गोकू अकेला ऑर्थस से लड़ रहा होता है, लेकिन ऑर्थस के सामने गोकू बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। ऑर्थस लगातार अपने की ब्लास्ट किए जा रहा था, गोकू उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक घायल होकर नीचे गिर जाता है। गोकू बहुत ही जख्मी हो चुका था और फिर ऑर्थस उससे कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मॉर्टल, तुम मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता, नहीं तो डैड के साथ बाकी सारी यूनिवर्स भी खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, नहीं मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं, अगर मैं हारा तो सब खत्म हो जाएगा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अब अपने पिता को नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। और इतना कहते ही गोकू अपनी शक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि उस जगह पे काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है, वो जगह पूरी कांपने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ओमनी सुपर सेन के फुल पावर में पहुंच जाता है और उसे देखकर ऑर्थस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से नहीं हारने वाले, लेकिन तुम इस बात को भी मान लो मॉर्टल कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना हमला ऑर्थस पर शुरू कर देता है, लेकिन ऑर्थस वहीं पर खड़ा होता है और गोकू उस पर अपने सारे अटैक्स को करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू की ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो लगातार ऑर्थस पर अपना हमला करता रहता है, लेकिन ऑर्थस पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थस अपना हमला गोकू पर करता है और गोकू उसके हमले से काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन गोकू फिर से दोबारा आकर उस पर हमला करने लगता है और गोकू इस बार पिछले बार से काफी ज्यादा तेज हो जाता है। और फिर ऑर्थस कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, बार बार एक ही कोशिश, मैंने कहा ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस फिर से गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके हमले को डॉच कर लेता है और गोकू इस बार ऑर्थस को एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थस नीचे गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू इस बार बिना मौका गवाए अपने कायोकेन के 100 टाइम का इस्तेमाल करके ऑर्थस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि गोकू अपना पूरा जोर लगा देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ऑर्थस को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। और वो गोकू से कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे छूने में कामयाब हो गए, तुम में थोड़ा दम तो है मॉर्टल, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। हम देखते हैं कि गोकू डीमन से कहता है, मैंने इतनी कोशिश कर ली लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, मैं क्या करूं? मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और इतना कहते ही गोकू थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर इसके बाद गोकू एक पोर्टल को खोलता है जो कि सभी मल्टीवर्स में खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके बाद कहता है, मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनो, क्या कोई ऐसा है जो मेरी इस लड़ाई में मदद कर सकता है? इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, क्या बात है डरपोक मॉर्टल, क्या तुम अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहे हो? लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मल्टीवर्स अब मेरे कंट्रोल में है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। उधर गोकू फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या कोई भी वॉरियर है जो मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज मेरे सामने आओ। लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थस की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सभी मल्टीवर्स को उसकी की फील हो रही थी और कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गोकू फिर से एक बार चिल्लाते हुए कहता है, क्या कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है जो कि मेरी मदद कर सकता है? प्लीज आ जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे, मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है, सो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो, मैं इस डीमन का सामना अकेले नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि गोकू अपनी मदद के लिए सभी के पास चिल्लाता रहता है। उधर सभी यूनिवर्स वाले उसकी आवाज़ तो सुन पा रहे थे, लेकिन ऑर्थस के डर से गोकू की मदद करने कोई भी नहीं
जा रहा था। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है ना समझ लाचार बेवकूफ मॉर्टल, सभी लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा है और वो सभी जानते हैं कि वो सभी मेरा सामना कभी नहीं कर सकते। किसी भी यूनिवर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा भी हो पाए, चाहे वो कोई गॉड ही क्यों ना हो। मैं अब अमर हो चुका हूँ और मुझसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही ऑर्थस बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तभी फिर गोकू कहता है, लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिर क्यों मैं इतना कमजोर हूँ, मैं किसी को भी नहीं बचा सका, अब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, डैड, कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू अब धीरे धीरे पागल होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से बारडॉग की आवाज़ सुनाई देती है और उधर बारडॉग उससे कहता है, नहीं कैकरोट, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें उस लड़ाई को जीतना ही होगा। उधर फिर अपने डैड की बात सुनकर गोकू कहता है, आपने सही कहा डैड, मैं इस लड़ाई को नहीं हार सकता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं हार सकता, कभी नहीं। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही गोकू अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर वो उस डीमन पर अपना एक जोरदार का पंच करता है। हम देखते हैं कि गोकू का पंच इतना स्ट्रांग होता है कि जिसकी वजह से गोकू का हाथ टूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और फिर ये देखकर उधर ऑर्थस कहता है, तुमने काफी अच्छी कोशिश की मॉर्टल, लेकिन अब ये तुम्हारा अंत है। जवाब में फिर गोकू कहता है, मैंने हर तरीके आजमा लिए लेकिन इसे तो हराना नामुमकिन है, मैं इसे नहीं हरा सकता, शायद अब यही मेरा अंत है। फिर ऑर्थस कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ सैयन। फिर गोकू कहता है, मुझे माफ करना डैड, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ताकतवर है, मैं अब इससे नहीं लड़ सकता, मुझे बहुत चोटें आई हैं और बहुत दर्द भी हो रहा है। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, तुम्हें मारने के बाद मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कब्जा कर लूंगा और अब तुम्हारे मरने के बाद मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। उधर ऑर्थस की ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है, मैं इस बार वाकई में तुमसे हार गया, मैं तुमसे अब नहीं लड़ सकता। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज गोकू से कहती है, तुम एक सैयन होने के बावजूद इतने कमजोर कैसे हो सकते हो कैकरोट। और हम देखते हैं कि गोकू ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसके सामने वेजिटा और ब्रोली खड़े होते हैं और गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम जिंदा हो, लेकिन तुम यहाँ। इस पर वेजिटा कहता है, अभी ये सब फालतू बातें करने का वक्त नहीं है कैकरोट। और फिर उसके बाद उधर ऑर्थस भी कहता है, ओ क्या बात है, और भी ज्यादा सैयंस, लगता है मुझे अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ये लड़ाई इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी, चलो मुझे थोड़ा और खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं तुम सभी मॉर्टल्स को बता दूं, अगर तुम सब मिलकर मुझे हराने का सोच रहे हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग सिर्फ मरने आए हो और मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही फिर से ऑर्थस बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, कोशिश कर देख लो डीमन। और फिर इसके बाद वेजिटा ब्रोली से कहता है, ब्रोली तैयार हो जाओ, हमें एक साथ ये करना होगा क्योंकि ये भी काफी ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक साथ वेजिटा और ब्रोली सुपर सैयन ओमनी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उधर गोकू इन्हें ये सब करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या बात है, लाजवाब, इन लोगों ने भी आखिर इस ताकत को अचीव कर लिया। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, भले ही तुम दोनों ने ओमनी फॉर्म को अचीव कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, समझे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ऑर्थस से कहता है, वो तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगी डीमन। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली से कहता है, ब्रोली तैयार हो जाओ, हम उस पर एक साथ हमला करेंगे और हम उस पर लगातार अपना हमला जारी रखेंगे क्योंकि हम उसे कोई भी मौका नहीं दे सकते। जवाब में ब्रोली कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं समझ गया,
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा दोनों एक साथ ऑर्थस पर अपना हमला करते हैं। उधर ऑर्थस उनके अटैक को रोकने लगता है और फिर कहता है, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। उधर हम देखते हैं कि वेजिटा अपने की ब्लास्ट से ऑर्थस पर अपना अटैक करता है और उधर ब्रोली भी उसे एक जोरदार पंच करता है और हम देखते हैं कि ब्रोली के हमले काफी जोरदार थे। उधर ऑर्थस उसे नहीं झेल पाता और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, आखिर ये सयन है कौन? इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लगता है कि अब इस लड़ाई का मजा और भी ज्यादा होने वाला है क्योंकि मैं भी अब काफी देर से कमजोरों से लड़ता लड़ते उब चुका हूँ। इसके बाद फिर ऑर्थस उससे कहता है, क्या तुमने अपना हमला कर लिया? अब मेरी बारी। और फिर ये कह के ऑर्थस उन दोनों पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ऑर्थस के हमले काफी खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से वेजिटा को काफी गहरी चोट आती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले से ब्रोली को सिर्फ कुछ खरोचे ही आती है और ब्रोली उसके बाद कहता है, तुमने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ब्रोली अपना पावर बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और अब ब्रोली की ताकत बहुत ही ज्यादा हो जाती है। उधर ऑर्थस उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है, ये सयन तो बाकियों से काफी अलग है, मुझे इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से ऑर्थस पर अपना हमला कर देता है और इस बार ऑर्थस उसके हमले को रोक नहीं पाता और ब्रोली उस पर कंटिन्यू अपना हमला किए जा रहा था। फिर ऑर्थस उसके हमले को झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उधर ब्रोली इसके बाद बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो ऑर्थस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर उधर गोकू कहता है, ये इतना ताकतवर, इसकी ताकत तो बहुत ही लाजवाब है, मैं तो ऑर्थस को छू भी नहीं पा रहा था। इसके बाद फिर वेजिटा उधर गोकू से कहता है, वो एक लेजेंडरी सैयन है कैकारोट। और वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू कहता है, क्या वेजिटा एक लेजेंडरी सैयन? जवाब में वेजिटा कहता है, हाँ कैकारोट, एक लेजेंडरी सैयन। एक लेजेंडरी सैयन की ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता और वो हजारों सालों में कोई एक होता है जिसका जन्म होता है और ये वही लेजेंडरी सैयन है कैकारोट, ब्रोली। और वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू कहता है, वाओ क्या बात है वेजिटा, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो कैकारोट, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उधर ऑर्थस उस धुएं के अंदर से ही कहता है, क्या बात है, एक लेजेंडरी सैयन, ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उधर सभी लोग ऑर्थस की आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और ये देखकर वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन कैसे, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये एक लेजेंडरी सैयन भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतना ताकतवर है। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, तुम बेवकूफों को आखिर क्या लगा कि मैं एक मॉर्टल से हार जाऊंगा? कभी नहीं, मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे अब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता। हम देखते हैं कि ब्रोली ऑर्थस को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी ब्रोली अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और ब्रोली और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑर्थस पे अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्थस इस बार ब्रोली के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? मैं तो तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा खेल रहा था, ना समझ। और हम देखते हैं कि ये बात कहने के बाद ऑर्थस ब्रोली पर अपना एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से ब्रोली अधमरा हो जाता है और ये देखकर वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ब्रोली को एक ही बार में डाउन कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। इस पर फिर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, हम इसे हराएंगे, मेरे पास एक रास्ता है। फिर गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैकारोट, आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने नहीं देखा कि आखिर उसने ब्रोली के साथ क्या किया?
ब्रोली तो हम दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस पर फिर गोकू कहता है, मैं जानता हूँ वेजिटा, हम उसे नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वेजिटा मुझ पर भरोसा रखो। फिर वेजिटा कहता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो कैकारोट, और कहता है, कहीं तुम फ्यूजन की बात तो नहीं कर रहे हो। जवाब में कैकारोट कहता है, नहीं वेजिटा, हम फ्यूज होकर भी उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उस पे जारमा का ब्लड है और वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर है वेजिटा। और गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम करने क्या वाले हो कैकारोट। जवाब में गोकू कहता है, बस मुझ पर भरोसा रखो एक आखिरी बार वेजिटा। और हम देखते हैं कि ये बात कह के गोकू अपनी पूरी पावर को अप करने लगता है, और इस बार गोकू अपनी बहुत ज्यादा ताकत लगाकर एक पोर्टल खोलता है। और फिर ये देखकर ऑर्थस कहता है, क्या मजाक है, एक और पोर्टल, अब तुम किसे बुला रहे हो। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं कि मुझे अब इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, समझे मॉर्टल। तुम सब मॉर्टल कितने बेवकूफ होते हो, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम सबको एक ही बार में कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम सबके साथ खेल रहा हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन अब मैं इस खेल से बोर हो चुका हूं और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से गोकू ज़ेनोसामा को बाहर निकालता है। दरअसल गोकू ने उस सील को तोड़ दिया था जिसमें ज़ेनोसामा को सील करके रखा गया था, और गोकू आखिरकार ज़ेनोसामा को उस सील से बाहर निकाल लेता है। और उधर दूसरी तरफ ऑर्थस ज़ेनोसामा को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम ये करने वाले थे। और उधर वेजिटा भी ज़ेनोसामा को देखकर कहता है, क्या ज़ेनोसामा, आखिर कैकारोट ये करना चाहता था। इसके बाद फिर ऑर्थस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम कुछ भी क्यों न कर लो, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मार सकता। इसके बाद फिर ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू क्या तुम वही हो या फिर जिन। जवाब में गोकू कहता है, ज़ेनोसामा मैं गोकू ही हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर ब्रोली भी खड़ा हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सभी से कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ और एक साथ ऑर्थस पर हमला करो। और उधर ऑर्थस गोकू की ये बात सुनकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफो, आखिर मुझे तुम सबको कितनी बार बताना पड़ेगा, तुम सब में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके या फिर मुझे मार सके, लेकिन अब बहुत खेल खेल लिए, मैं तुम सभी को एक साथ मसल कर रख दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, सभी लोग एक साथ हमला करो। और हम देखते हैं कि गोकू के कहने पे सभी लोग एक साथ ऑर्थस पर अपना हमला कर देते हैं। ब्रोली, वेजिटा और ज़ेनोसामा तीनों के तीनों एक साथ ऑर्थस पर अपना हमला करते हैं। और फिर इसके बाद गोकू अपने आप से कहता है, प्यारे शरीर, बस इस बार मेरा साथ दे देना। और हम देखते हैं कि गोकू गॉड हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने आप को ठीक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा, ज़ेनोसामा और ब्रोली तीनों ही एक साथ ऑर्थस पे अपना की ब्लास्ट से हमला किए जा रहे थे, और सभी के एक साथ हमला करने की वजह से उधर ऑर्थस को सभी के हमले को रोकने में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। और फिर ऑर्थस गुस्से से कहता है, तुम सब बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। इसके बाद फिर गोकू सबसे कहता है, बस थोड़ी देर और। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, आखिर कैकारोट करने क्या वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कायोकेन 100 गुना का इस्तेमाल करता है, और फिर गोकू दोबारा से उस सील को खोलता है। और उधर ये देखकर ऑर्थस बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ना समझ मॉर्टल, तो तुम्हारा ये प्लान था, तुम ये अच्छे से जानते थे कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसीलिए तुम मुझे सील करना चाहते हो, लेकिन मैं ये इस बार नहीं होने दूंगा। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे ऑर्थस। और उधर वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, कैकारोट, तो ये टेक्निक तुमने छुपा कर रखी थी, तुम शुरू से जानते थे कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद फिर ज़ेनो भी कहते हैं, जल्दी करो गोकू, हम सब कमजोर पड़ रहे हैं, हम इसे ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते। और हम देखते हैं कि गोकू उसके बाद अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और फिर उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्थस अब धीरे धीरे उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है, और ये देखकर ऑर्थस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं,
इस बार फिर से नहीं। मैं अगर इस बार अंदर गया तो हम फिर से अलग हो जाएंगे और मैं फिर से वहाँ पर नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर ऑर्थस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ऑर्थस अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑर्थस धीरे धीरे उस पोर्टल से काफी दूर होने लगा था और फिर वो चिल्लाकर कहता है, मैं इस बार नहीं हारने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को देखता है और वे सभी काफी कमजोर पड़ रहे थे और सभी की एनर्जी काफी कम हो रही थी। ब्रोली भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता कैकारोट। उधर गोकू सभी की हालत देखकर कहता है, लगता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, मैंने जो कुछ भी किया। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो बेवकूफ। इसके बाद गोकू कहता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था वेजिटा, लेकिन लगता है कि अब मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसे अब मैं ही ठीक करूंगा। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो कैकारोट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने लगता है और इस बार गोकू फिर से कायोकेन 100 गुना का इस्तेमाल करता है। और फिर उधर ऑर्थस कहता है, फिर से वही टेक्निक, सच में तुम सब एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे अपने इस टेक्निक से हरा दोगे। इस पर फिर गोकू कहता है, मैं ये जानता हूँ कि ये काफी नहीं है, मुझे और भी जोर लगाना होगा। और फिर इसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अलविदा वेजिटा। और उधर वेजिटा उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, क्या कैकारोट, तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद फिर गोकू ऑर्थस से कहता है, मैं जानता हूँ ऑर्थस कि ये टेक्निक तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी मॉर्टल्स को मार दोगे, मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा और मैं तुम्हें रोकूंगा हर हाल में ऑर्थस। उधर फिर ऑर्थस बहुत ही गुस्से में कहता है, कोशिश करके देख लो मॉर्टल। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू बारडॉग की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा डैड। फिर बारडॉग गोकू को देखकर कहता है, कैकारोट आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। इसके बाद गोकू कहता है, मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा ऑर्थस। और हम देखते हैं कि इसके बाद फिर ऑर्थस भी कहता है, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम सबको मिटा कर रख दूंगा। फिर गोकू ऑर्थस की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत बात सुन ली और अब मैं तुम्हें रोकूंगा। और फिर हम देखते हैं कि गोकू इस बार कायोकेन 1000 टाइम का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि ऑर्थस अब उस हमले से संभल नहीं पाता और वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होती है, क्योंकि कायोकेन 1000 गुना के इस्तेमाल करने की वजह से गोकू की जान चली जाती है और गोकू वहां पर नहीं होता, क्योंकि उतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने से गोकू की बॉडी नष्ट हो जाती है और गोकू मर जाता है। इसके बाद फिर ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू ने आखिर कर दिखाया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, कैकारोट तुम सच में ना समझ हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ और कम अकल हो, तुमने ये आखिर क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उधर बारडॉग भी उठ जाता है और ब्रोली भी। और फिर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम सभी के प्लैनेट्स अब खत्म हो चुके हैं, तो तुम लोग सब मेरे साथ चलो, मुझे सब कुछ दोबारा से बनाने में काफी वक्त लगेगा और तब तक तुम सब मेरे साथ मेरे पैलेस पर रह सकते हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ज़ेनोसामा के साथ ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाने लगते हैं। और तभी वेजिटा आसमान पे देखकर कहता है, मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा करने वाले हो, तुम सब कुछ जानते थे कैकारोट, तुम जानते थे कि तुम उसे नहीं हरा सकते और तुम्हें ये पता था कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुमने ये किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैकारोट, और मुझे माफ करना, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, अलविदा कैकारोट।
सो आई होप गाइस कि तुम लोगों को ये चैप्टर देख के काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि गोकू लॉक्ड इन टाइम चेंबर यहीं पे एंड नहीं होता है। ये तो था पहला सीजन एंड नाउ अब से इसका सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है एंड आई होप गाइस कि मेरी तरफ तुम लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होगे सीजन 2 के लिए। एंड यार लेट मी क्लियर वन थिंग गाइस, सीजन 2 काफी लंबा चलेगा तो तुम लोगों में से जिसको भी सीजन 2 सबसे जल्दी चाहिए वो लोग फटाफट से कमेंट्स करो एंड इस फाइनल शोडाउन के बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में भर दो। एंड या गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सभी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट सीजन के एपिसोड तुम लोगों तक बहुत जल्दी से पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा मैं अपने अगले वीडियो के लास्ट में उस कमेंट को शाउट आउट दूंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो हरी अप। So stay tuned for the next season, guys. Bye-bye.